यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यहाँ पे मोदी साहब आए, पूरी टीम के साथ जहाज भर के आए, हर चौक पे यहाँ पे उनका सारा एक पूरा एक कैंपेन चलाई गई, यहाँ पे उनकी वन टू वन मुलाकातें हुई बाइडन साहब के साथ, मैक्रॉन के साथ, साथ उन्होंने G20 की तैयारी की, दो क्वाड का हिस्सा है, फ्रांस के साथ वो बातें कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से सीधी बातें कर रहे हैं वो। हम जब यहाँ बैठते हैं हम देखते हैं बांग्लादेश कहाँ जा रहा है, आपसे आगे निकल चुका है, श्रीलंका आपसे आगे जा रहा है, इंडिया के साथ तो आपका कंपैरिजन ही नहीं है। वो हमसे पैसे में भी यहाँ ज्यादा है, इंटेलेक्ट में भी हमसे आगे है इंडियन, और उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेकेंड जनरेशन जो है वो कांग्रेस में भी आ चुकी है। आज पांच जो है इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन मौजूद है इस वक्त व्हाइट हाउस में, जो बाइडन साहब का स्पीच राइटर भी इंडियन। और आपका जो पहले ही फॉरेन पॉलिसी डूबियस थी वो इस हवाले से कि उसामा बिन लादन जब से पाकिस्तान से मिले उसके बाद आप दुनिया का एतमाद हासिल नहीं कर सके। जयशंकर साहब के बाहर के दौरे और कुरैशी साहब के बाहर के दौरे आप उनको कंपेयर कर सकते हैं? आप इस वक्त इंडिया की भी बात नहीं की, इंडिया की चले कर लेते हैं वो भी चाहिए मुझे, क्यों आपने सबसे पहले घबराना। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया में साजिद तरार बता रहे हैं कि इंडियंस में दिमाग है और पैसा भी है, इसीलिए पूरी दुनिया में वो छा रहे हैं। वो लगन के साथ काम करते हैं और ईमानदारी के साथ। इसी का उदाहरण देख लेते हैं मोदी जी और जयशंकर। मोदी जी और जयशंकर ने जान लगा रखी है भारत को बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए, और इसके विपरीत पाकिस्तान में इमरान खान और कुरैशी घर में बैठे हुए हैं और TLP और TTP के पैर पड़ रहे हैं। इससे पता चल जाता है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। भारत पूरी तरीके से लगा है, किसी तरीके से भारत का नाम पूरी दुनिया में नंबर वन पे लाया जाए, और हमारे यहाँ इस तरीके की सोच ही नहीं है। इसकी वजह से ही आज पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है, और अब तो चीन भी CPEC को बंद करने वाला है। इससे पता चल जाता है कि पाकिस्तान बिल्कुल ही हताश और निराश है, ना इनके पास विज़न है, ना इनके पास पॉलिसी किस तरीके से मुसीबतों को, ग्लोबल चैलेंजेस को फेस किया जाए। और इसी का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि भारत अपनी राह पे अग्रसर है और आगे जाके भारत बहुत बड़ी शक्ति बनने वाला है। आइए फ्रेंड्स इस वीडियो को देखते हैं। देख यही रहे हम कि अमेरिका से कॉल नहीं आ रही प्राइम मिनिस्टर को, साथ ही IMF का इशू भी जो है वो चल रहा है, और उन्होंने ये कहा है कि जी डू मोर, कि अगर ये अफगानिस्तान के लिए इनको सपोर्ट करते हैं और यहाँ से एयर बेसिस देते हैं तभी इनको जो है वो IMF की जो अगली इंस्टॉलेशन है, जो अगली किस्त है वो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये बात हो रही है, तो आप इस चीज को किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं एक तो बल्कि एक खास चीज का इशारा जो आपने अपने सवाल में भी किया उसको भी एड्रेस करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताने की कोशिश करूंगा आपके देखने वालों को कि इस वक्त दोनों ममालिक के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है Washington DC में, कि यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा इज वेरी एक्टिव। एक तो वो हमसे इंडियन काफी, एक तो पॉपुलेशन में ज्यादा है, दूसरी हमारी फाइनेंस इकोनॉमिक बेस माइग्रेशन हुई, उनकी एजुकेशन रिलेटेड एजुकेशन बेस माइग्रेशन हुई। वो हमसे पैसे में भी यहाँ ज्यादा है, इंटेलेक्ट में भी हमसे आगे है इंडियन, और उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेकंड जनरेशन जो है वो कांग्रेस में भी आ चुकी है। आज पांच जो है इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन मौजूद हैं, दो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो कि दोनों गवर्नर रह चुके हैं इंडियन डिसेंट के हैं, निक्की हेली और बॉबी जिंदल। तो उसी तनाजर के साथ जब आप देखते हैं तो इस वक्त व्हाइट हाउस में जो अगर इंडिया पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट का, या अगर आप साउथ एशिया का देखें तो सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट जो है वो इंडियन अमेरिकन्स की है। उस हवाले से इस वक्त व्हाइट हाउस में जो बाइडन साहब का स्पीच राइटर भी इंडियन, इस वक्त उनकी पॉलिसी रिलेटेड भी उनकी अपॉइंटमेंट्स, और उसी हवाले से जब वो देखते हैं उस तनाजर से तो पलड़ा भारी हो जाता है इंडिया का। अब दूसरी साइड पे चलते हैं, पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं कि वो वहां की पोजीशन क्या है। पाकिस्तान ने एक तो पिछले दौर में इन्होंने बिल्कुल चाइना के कैंप में जाके अमेरिका की तरफ, मैं हमेशा ये कहता हूं कि नेवर बर्न द ब्रिजेस, लेकिन इन्होंने ब्रिज बर्न किए, इन्होंने अमेरिका बैशिंग की, इन्होंने कहा जी हम तो हिमालिया पे चढ़ गए हैं, इन्होंने सब किया, बल्कि CPEC को लेकर अफगानिस्तान में जाके कोशिश उनके सेल्समैन बन गए, आगे जाके दुनिया में CPEC में बेचना शुरू कर दिया और एब्सोल्युटली नॉट और इस तरह की चीजें की। और आपका जो पहले ही फॉरेन पॉलिसी डूबियस थी वो इस हवाले से कि उसामा बिन लादन जब से पाकिस्तान से मिले उसके बाद आप दुनिया का एतमाद हासिल नहीं कर सके। और तीसरी इसमें जो बात मैं कहूंगा, आपकी फॉरेन पॉलिसी, अगर मैं आज आपसे ये क्वेश्चन करूं आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, तो आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। मैं किसी से ये पूछूं कि आज पाकिस्तान कहां खड़ा है, किस कैंप में है, कैंप उनके पास मौजूद है या नहीं मौजूद, कोई पता नहीं।
आपकी जो मैं शॉर्ट टर्म पे एक लफ्ज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी डॉलर बेस है, अमेरिका के डॉलर बंद हुए, आप चाइनीज कैंप में गए वहां से डॉलर लेने की कोशिश की, जब सी पैक बंद किया उन्होंने, आपने उनको ग्वादर की बजाय कराची देने की कोशिश की, उन्होंने वो भी लिया, फिर दासू डैम पर उन्होंने 39 बिलियन आपसे मांगा, उन्होंने जब सी पैक के डॉलर बंद हुए तो आप आईएमएफ के कदमों में आके बैठ गए। कुरैशी साहब की नजर सबसे पहले दो प्रोजेक्ट पे है, एक तो वो पहले बनना चाहते थे पंजाब के चीफ मिनिस्टर, वो नहीं बनाए गए, फिर वो -1 फार्मूले के भी कैंडिडेट रहे हैं, उनके टेबल के ऊपर फॉरेन पॉलिसी हो तो वो जस्टिफाई करें ना उसको। आप मुझे ये बताएं, ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया, आप मुझे कंपैरिजन, मैं एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, मैं सारी पूरी दुनिया को यहां से उस लेंस से देखता हूं, जयशंकर साहब के बाहर के दौरे और कुरैशी साहब के बाहर के दौरे आप उनको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके हर मिनिस्टर ने और आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने चीनी पेट्रोल हर चीज को इंडिया के साथ कंपेयर कर दिया। मैं आप उनकी फॉरेन पॉलिसी भी एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी सी, वो क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यहाँ पे मोदी साहब आए पूरी टीम के साथ, जहाज भर के आए, हर चौक पे यहाँ पे उनका सारा एक पूरा एक कंपेन चलाई गई, यहाँ पे उनकी 1-to-1 मुलाकातें हुई बाइडन साहब के साथ, मैक्रॉन के साथ, साथ उन्होंने G20 की तैयारी की, 2 क्वाड का हिस्सा है, फ्रांस के साथ वो बातें कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से सीधी बातें कर रहे हैं वो, और उसके बाद उन्होंने अग्नि 5 का जाके अब अपना कर दिया। और चौथी आखिरी बात, अमित शाह साहब बढ़ के मार रहे हैं आपके खिलाफ कि हम घुस के मारेंगे, आपने उस पर कोई रिएक्शन किया, आपकी कोई काउंटर कंपेन हो उनके खिलाफ, बता दे मुझे। मैं हो सकता मैं आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, मैं लर्न कर रहा हूं अभी फॉरेन पॉलिसी को भी और इकोनॉमी को भी अभी लर्न कर रहा हूं, अगर आपके पास कोई अच्छी खबर हो तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मुझे क्या करें, अभी आप ये देखें कि जो 10 नवंबर को जो है अफगानिस्तान के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें इंडिया भी है, सब है, और इन्होंने जाने से मना कर दिया पाकिस्तान से, ही कहते हैं नहीं जी सारे स्पॉइलर उसके अंदर हैं। तो अगर स्पॉइलर उसके अंदर है तो चाइना क्यों जा रहा है सर, और वहां पे अफगानिस्तान क्यों जा रहा है? तो ये इस तरह का चूरन ये कब तक बेचेंगे? आरजू इनको चाहिए था जाके अपना मुद्दा बयान करते, अपने एतराजात टेबल पे रखते, लेकिन देखे यही तो कमियां हैं। मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगा, मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे यकीन रखता हूँ, पाकिस्तान मेरी मादरे मिल्लत है, यहाँ हम लोग, मैं अकेला नहीं हूँ, अब वॉशिंगटन डीसी में, लंदन में मेरे जैसे पता नहीं कितने और पाकिस्तानी हैं जो रोजाना खून के आंसू रोते हैं कि हमारे मादरे मिल्लत के साथ हो क्या रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ पाकिस्तान में पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। हम जब यहाँ बैठते हैं हम देखते हैं बांग्लादेश कहाँ जा रहा है, आपसे आगे निकल चुका है, श्रीलंका आपसे आगे जा रहा है, इंडिया के साथ तो आपका कंपेरिजन ही नहीं है। देखे ना, वो मुझसे अगले दिन किसी ने कहा जी, ये उन्होंने कहा ताड़ साहब कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिलेशनशिप कुछ और है, इंडिया के साथ कुछ और। मैंने कहा वो इनके ग्राहक हैं, आप इनसे चंदा मांगते हैं, मांगने वाले और कस्टमर के अंदर क्या फर्क होता है, वही फर्क आपका, आप जस्टिफाई कर दे कि मांगने के लिए आया हो, रोजाना खड़ा होकर जी अल्लाह के नाम पे कुछ दे दें, और दूसरा आपका कस्टमर हो तो आप कस्टमर को ड्राइंग रूम में बिठाएंगे या आप मांगने वाले को ड्राइंग रूम में बिठाएंगे? और खान साहब की स्पीचे सुन ले आप, खान साहब की स्पीचे सुने कि मैं आईएमएफ में नहीं जाऊंगा, मैं कर्जे नहीं मांगूंगा, टर्की ने नहीं इस पे उन्होंने इतराज किया, सऊदी अरेबिया ने फ्रेंच एम्बेसडर को नहीं निकाला, आप तैयार हो गए चले निकाले आप, लेकिन मुझे ये बताएं इन्होंने अभी इसका, आपकी कैबिनेट के कई लोगों को मैंने बोलते देखा, वो कहते हैं एफटीएफ पे असर पड़ेगा, एफटीएफ पे आपके करप्शन का असर नहीं पड़ता? आपका क्या ख्याल है, जो नैब की अभी स्टोरी निकली है जो कि आपके खरबों रुपए आपके मिल ही नहीं रहे हैं, डिपॉजिट ही नहीं हुए, आपका क्या ख्याल है उसका फैटफ के ऊपर कोई असर नहीं है? फैटफ ने क्यों आपको कहा है, आईएमएफ ने क्यों आपको कहा है कि एक अकाउंट रखें आप, हम एक अकाउंट में देखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, और आपने उसका कहा है कि हमें एक साल लगेगा उस चीज को पहुंचने के लिए, आपका क्या ख्याल है लोग नाक में रोटियां डाल रहे हैं? यही तो एक प्रॉब्लम है, मसला तो यही है। आपको आपसे मजहब के बारे में पूछा जाए तो आप कहते हैं हम आप सबसे बड़े आलमे दीन है, इकॉनमी का पूछा जाए आपको सबसे बड़ा पता है, हिस्ट्री का पूछा जाए तो आप कहते हैं हम सबसे बड़े हिस्टोरियन है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि हकानी ट्राई भी नहीं है, हकानी तो हकानी स्कूल जाने वाले। ये एक बड़ा इशू है पाकिस्तान का कि आप समझते हैं कि आपने दुनिया को बेवकूफ बना रखा है, लेकिन पहले चल जाता था, अब आपके सारे अगले पिछले सारी किताबें खुल चुकी हैं, अब लोग कहते हैं भाई नहीं आपने डबल गेम खेली है, बस करो यार बस करो। मैंने आपको बताया आई आपके पास 2 चीजों की लेवरेज ना होती तो आपको एक डॉलर नहीं देना था किसी ने अभी तक। एक आपके एटॉमिक पावर है और वेस्ट को ये खौफ है कि अगर कहीं आप एक रोग स्टेट बने तो क्या बनेगा, एक ये, और दूसरा थोड़ा बहुत ये कि आप समझते हैं अफगानिस्तान पे इन्फ्लुएंस है, आपने उस पर भी ब्लैकमेल करने की काफी कोशिश की है और कर रहे हैं, लेकिन ये कि
वो अब इस तरह चलेगी नहीं बात, क्योंकि वो अफगानियों पे भी एतबार नहीं किसी को।